देखो बच्चों, हमने अब तक उद्यमिता कौशल जिसके हमने चार चैप्टर हमने पढ़ लिए थे, अब जो पांचवा जो चैप्टर है जो है व्यापार गतिविधियों के प्रकार। इससे पहले हमने क्या उद्यमिता का अर्थ पढ़ा था और उद्यमिता की विशेषताएं पढ़ी थी, ये हमने अब तक पढ़ चुके हैं। पांचवा जो यूनिट है, जो पांचवा जो चैप्टर है जो उद्यमिता कौशल का है, वो है व्यापार की गतिविधियों के प्रकार। कौन-कौन से व्यापार की गतिविधियों के प्रकार होते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा आपको कि हमने से पहले उद्यमिता का अर्थ और विशेषता हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, व्यापार की गतिविधियों के प्रकार। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आपकी बुक्स में दिया गया है, छोटा सा एग्जाम्पल है वो आपके बुक्स में दिया गया है कि जो राहुल है, राहुल नाम का एक लड़का है जो क्रिकेट खेलता है, जो क्या एक तरीके से क्रिकेटर है और वो क्रिकेट खेलता है और बहुत अच्छा खेलता है। वो महेंद्र सिंह धोनी के जैसे एक ऑलराउंडर है और उसको गांव वाले शहर वाले उसको सभी को क्या सलाह देते थे कि तू बहुत अच्छा खेलता है और आगे जाके बहुत कुछ अच्छा करेगा। तो राहुल ने क्या है अच्छी कोशिश करी और 16 साल की उम्र में स्टेट टीम में उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन आगे चलकर उसका किसी भी टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब उसका जुनून क्रिकेट के प्रति बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा क्रिकेट के प्रति बहुत ज्यादा जुनून था, इसलिए वो क्रिकेट में ही कुछ करना चाहता था। तो उसने क्या है उसके दिमाग में व्यापार के लिए कुछ चीजें आई कि हमें ऐसे कर लेना चाहिए या क्या करें हम जिससे हम अपना क्रिकेट से अपना एक व्यापार चला सकते हैं। तो उसने उसके दिमाग में तीन चीजें आई, क्या क्या आ सकती है कि एक वो कोचिंग सेंटर खोल ले, किसका क्रिकेट का। इसके अलावा उसको एक और ऑप्शन आया कि वो क्रिकेट की दुकान खोल ले। क्रिकेट खेल का सामान की। इसके अलावा तीसरा उसको ये मिला कि वो खेल अकादमी खोल ले। इसके पास जो राहुल था, इसके पास ये तीन ऑप्शन थे कि ये तीन चीजें वो क्या कर सकता था अपने व्यापार के लिए, वो व्यापार के लिए और क्रिकेट से संबंधित चीजें थी जो वो कर सकता था। क्योंकि उसका राहुल का क्या है क्रिकेट के अंदर ही उसका क्या था मन था, इसलिए क्रिकेट में ही वो कुछ ना कुछ करना चाहता था। लेकिन हुआ ये कि वो आगे जाके उसका किसी टीम के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए वो उसी क्रिकेट के अंदर ही वो कुछ ना कुछ करना चाहता था, इसलिए वो इन तीन चीजों के बारे में सोच रहा है। तो मैं अब आपको बताऊं कि व्यापार गतिविधियों के प्रकार भी ये तीन चीज ही है। कैसे, देखो पहला इसके अनुसार हम देखते हैं, पहला जो होता है वो है उत्पाद सेवा। उत्पाद उत्पाद दूसरा है सेवा, व्यापार गतिविधियों के प्रकार बता रहा हूं मैं, और तीसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड व्यापार गतिविधियों के प्रकार क्या क्या हुए, उत्पाद हुआ, सेवा हुई, हाइब्रिड हुई। ठीक है, जहां पर उत्पाद बिकते हैं क्रिकेट से संबंधित या किसी से भी संबंधित, जहां सामान की सिर्फ उत्पाद की प्रोडक्ट की बिक्री हो रही है वो तो हो गई उत्पाद व्यापार, और जहां पर सेवा, सेवा आप समझ रहे हो, सेवा हम डिटेल में हमने बताया ना उत्पाद के साथ साथ, मैं आपको क्लासों में भी बताता था कि हम उत्पाद के साथ साथ हम सेवा को भी बेचते हैं। तो ध्यान रखना सेवा भी एक तरीके से, जहां पर हम जैसे उसकी सेवा, जैसे मान लो एक एक डॉक्टर जो होता है वो पेशेंट को देख रहा है, मरीज को देख रहा है, वो उसकी क्या है सेवा है। उसी तरीके से अगर आप क्रिकेट का, अगर जैसे अपने क्रिकेट का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो क्रिकेट के अंदर जैसे कोचिंग सेंटर जो होता है,
कोचिंग सेंटर जो होता है वो क्या हुई, उस कोचिंग सेंटर में क्या किया जाता है, जो भी बंदा जाता है उसको क्या किया जाता है, उसको क्रिकेट सिखाया जाता है। उसी तरीके से देखो हाइब्रिड, हाइब्रिड में क्या होता है कि वहां पर उत्पाद भी मिलता हो और उत्पाद के साथ साथ सेवा भी मिलती हो, ये हाइब्रिड व्यापार हुआ। तो अब मैंने जो राहुल वाला जो एग्जाम्पल लिया था उस पे अपन देखते हैं। जैसे उत्पाद, उत्पाद मैंने कहा कि वहां पर प्रोडक्ट की क्या होती है, बिक्री होती है। प्रोडक्ट मैंने बताया प्रोडक्ट इंग्लिश में है, उत्पाद क्या है हिंदी में। तो जहां पर प्रोडक्ट की बिक्री होती है तो जहां क्या हो रहा है, दुकान, वह दुकान जहां पर क्रिकेट खेल का सामान बिक रहा है वो क्या हुई, उत्पाद व्यापार हुआ। इसके अलावा सेवा, कोचिंग सेंटर में क्या होती है, सेवा प्रकार, जहां पर क्या दी जाती है, क्रिकेट सिखाया जाता है। दुकान में क्या सिखा रहे हैं अपन, उत्पाद की सेवाएं, उत्पाद का प्रकार। उसी प्रकार खेल अकादमी में क्या किया जाता है, क्रिकेट खेल अकादमी में वहां पर खेल, क्रिकेट खेल से संबंधित, खेल से संबंधित जो भी सामान है, खेल से संबंधित सामान जो है उसकी बिक्री भी की जाती है, और इसके साथ साथ वहां पर क्रिकेट को सिखाया भी जाता है। क्रिकेट को क्या किया जाता है, सिखाया भी जाता है। और हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड ये खेल अकादमी हो गया जहां पर क्या हो रहा है, खेल का सामान भी बिक रहा है और सेवा भी, सेवा क्या हो गया, क्रिकेट भी वहां सिखाया जाता है। तो खेल अकादमी में आप हाइब्रिड प्रकार जो आप जो है वो खेल अकादमी है, समझ गए। ये एक छोटा सा जो चैप्टर था, छोटा सा सत्र था, व्यापार गतिविधियों के प्रकार किसमें था, उद्यमशीलता का कौशल, जो अपने चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। इसके अलावा अब आपका जो घर पे जो गृह कार्य रहेगा, आपको जैसे मैंने राहुल के ये जो एग्जाम्पल लेके ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं, उसी प्रकार आपने भी 3 एग्जाम्पल किस किस के देने हैं, उत्पाद के देने हैं और सेवा का देना है और हाइब्रिड, ऐसे कौन कौन से जो, ऐसा कौन कौन सा जो व्यापार है उसमें 3 चीजें कौन कौन सी चीजें होती है उसके बारे में आप हमें बताओगे, और ये उत्पाद सेवा हाइब्रिड उस व्यापार के लिए आप उसमें बताना है। अगला जो हब है, जो छठा, जो उद्यमशीलता कौशल के छठा जो चैप्टर है वो हम कल पढ़ेंगे। इसमें जो भी चीज समझ में नहीं आए वो हमसे पूछ लेना और मैं आपको वो अच्छे से बता दूंगा। ध्यान रखना सभी बच्चे, इनका आप नोट्स बनाते रहना, बुक्स आपको दी हुई है, बुक्स आपको दी हुई है उसमें से देख लेना, बुक्स में कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना।